साल 1920 अपना घर ही नहीं अपना देश तक छोड़कर एक पराए देश में आ गई। ना उन्हें यहाँ कोई जानता था और ना ही रहने का कोई ठिकाना। एग्नेश जिनका जन्म मैसेडोनिया देश में हुआ। साल 1920 में एग्नेश अपना देश छोड़कर भारत में आ गई और गरीबों की सेवा करने लगी। उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान का संदेश मिला है कि इस देश में सबसे गरीब लोगों की मदद करनी है। इस संदेश के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अब एक बार के लिए आप सोच रहे होंगे कि ये एग्नेश कौन है। ये और कोई नहीं मदर टेरेसा है, जिनका असली नाम एग्नेश था, जिन्होंने बाद में अपना नाम त्याग कर टेरेसा नाम चुना। वो अपने नाम से संत थेरेस ऑस्ट्रेलिया और टेरेसा ऑफ एविला का सम्मान देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने टेरेसा नाम चुन लिया। मदर टेरेसा ने 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। वो सिस्टर ऑफ लेरेटो से जुड़ गई थी और इसके लिए आयरलैंड गई, और इसके बाद जब तक वो जिंदा रही तब तक अपने घर वालों से नहीं मिली। आयरलैंड में ही उन्होंने अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत की और फिर जनवरी 2020 में भारत आ गई। यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ईसाई मिशनरीज के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1931 को नन में कड़ी ट्रेनिंग लेकर कोलकाता के स्कूलों में काम करना शुरू किया। मदर टेरेसा ने सेंट मैरिज में सबसे पहले इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया और वो वहाँ 15 सालों तक रही। उन्हें गरीबों की हालत देखकर बहुत दुख होता था। 1946 में दार्जिलिंग रिट्रीट के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान का संदेश मिला है कि इस देश में सबसे गरीब लोगों की मदद करनी है। उन्हें 2 साल लग गए अपने इस काम को पूरा करने में। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया और इसके बाद लोगों की मदद में जुट गई। मदर टेरेसा जब सेवा के क्षेत्र में आ गई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ड्रेस बदलकर साड़ी कर ली ताकि वो लोगों के बीच आसानी से रह पाए। उन्हें पहले आसान जीवन जीने की आदत थी, लेकिन उन्हें झोपड़ी में रहना पड़ा और भीख मांगकर लोगों का पेट भरना पड़ा। उन्हें कई बार कॉन्वेंट वापस जाने का मन भी किया क्योंकि स्लम जिंदगी काफी मुश्किल थी, पर वो टिकी रही और कोड प्लेग आदि बीमारियों के मरीजों की मदद की। भारत में मानव कल्याण कार्यों के हेतु 1970 में शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा ने नोबल पुरस्कार के साथ मिली राशि 1,38,42,912 रुपए बच्चों के मदद के लिए दान कर दिए। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1980 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आज मदर टेरेसा की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। नमस्कार।